जयपुर शहर में लगातार रात 12 बजे बाद होता है बोरिंग खुदाई का काला काम। ऐसे ही मामला रात देखने को मिला नारायणपुर बिहार द फैक्ट्री के पास हो रहा अवैध रूप से बोरिंग खुदाई का काला खेल। पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंची पीसीआर ने बोरिंग मशीन को मौके से जब्त किया, लेकिन आखिर जब्त की बोरिंग मशीन अभी तक पुलिस थाने नहीं पहुँची। वही 24 घंटे पहले का मामला बताया जा रहा है। आखिर अवैध बोरिंग खुदाई का काला खेल करते वक्त बोरिंग को जब्त किया है, वह बोरिंग कहाँ गयी पर पुलिस वालों की मिली भगत से यह सब किया जा रहा है। वही वरुण पथ मानसरोवर थाने का मामला है और बोरिंग माफिया द्वारा पत्रकार को जान से मारने की धमकियां भी खुलेआम दी जा रही हैं, लेकिन वरुण पथ पुलिस सो रही है चैन की नींद। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर रात हो या दिन खबर करता है, लेकिन आखिर पुलिस की मिली भगत से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अब यह सवाल आज भी वरुण पथ पुलिस पर खड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी है। जयपुर शहर में लगातार हो रहा है रात को 12 बजे के बाद बोरिंग खुदाई का काला खेल। जिस तरीके से टीवी ऑन इंडिया न्यूज की टीम को आज देखने को मिला है मानसरोवर थाने अंतर्गत नारायण बिहार द फैक्ट्री के पास चौराहे पर, जो अपने आप को जेपी मीणा की बोरिंग बता रहे हैं, जो उच्च अधिकारी का नाम लेकर ये जो काम किया जा रहा है ये एक सरेसरेआम गलत है। बोरिंग माफियों का सीधे सीधा कहना है कि थाने से परमिशन लेने के बाद ये सब बोरिंग खुदाई का काला खेल हम लोग करते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी है। जिस तरीके से 11:30 बजे की कंप्लेंट करी हुई, अब आप देख सकते हो 1:30 बजे यहाँ पर बज चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस पीसीआर मौके पर पहुँच गई थी गाड़ी बोरिंग मशीन जब्त करने के बावजूद भी अभी 1.5 से 2 घंटे हो गए बोरिंग मशीन अभी तक पुलिस थाने नहीं पहुँची है। जिस तरीके से मैं मेरे कैमरामैन साथी को बोलना चाहूँगा कि इस थाने का फुटेज बार बार दिखाया जाए कि वरुण पथ थाने का है मामला, 2 घंटे के बाद भी अभी तक जब्त की हुई बोरिंग मशीन क्यों नहीं आई। हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रखी है, यानी हाई कोर्ट उधर से एक तरीके से यानी बैन लगा रहा है कि अवैध काम नहीं होने चाहिए, अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए। रात को 12 बजे बाद बोरिंग खुदाई काला खेल पर सख्त पाबंदी के तौर पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ आज हमें देखने को मिला कि 11:30 बजे बाद कंप्लेंट करने तक पीसीआर यानी मौके पर पहुंची बोरिंग मशीन जब्त की, लेकिन अभी तक 2 से 2.5 घंटे पर पुलिस थाने नहीं पहुँची है। कैमरामैन ठाकुर सिंह के साथ TV1 इंडिया न्यूज़ जयपुर। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए करतार सिंह की रिपोर्ट, जयपुर, राजस्थान।